इसको आप क्या बोलेंगे, आप इसको जिम साइकिल बोल सकते हैं, साइकिल बोल सकते हैं, आराम वाली साइकिल बोल सकते हैं, जो मन करे वो बोलिए। ये देखिए इसकी स्पीड, मेरे को लगता है इसकी स्पीड कम से कम 35 या 40 अभी होगी, अगर इसको स्कूटी से देखा जा सके तो। भाई हमें सूरत में, और सूरत में आने के बाद हमें एक खूबसूरत से इंसान मिल गए जो बड़ा अनोखा अनोखा चीज़ बनाते हैं। अभी जहाँ हम बैठे हुए हैं, इसको आप क्या बोलेंगे, आप इसको जिम साइकिल बोल सकते हैं, साइकिल बोल सकते हैं, आराम वाली साइकिल बोल सकते हैं, जो मन करे वो बोलिए। इसका काम ऐसा है कि आप आराम से लेटते रहिए, इसको चलाते रहिए, आगे जाती रहेगी। और भैया ने बताया कि आपका बैलेंस सही है तो आप आराम से फ़ोन भी चलाते रहिए और चलते रहिए, बेशक रोड खाली होना चाहिए, नहीं तो अगर रोड बिजी रहा है एक्सीडेंट होगा तो उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेते। कौन बताएगा, वो भैया बताएंगे। आप इधर नहीं आ रहे तो मुझे ही उधर आना पड़ रहा है। मुझे आप बताइए इसके बारे में, ये क्या है, क्यों, क्या सोचकर बनाया गया है? क्रिएटिव साइंस आपका नाम है, इसमें कौन सा साइंस लगा हुआ? इसमें एक्चुअल में कोई साइंस नहीं बोल सकते, क्योंकि ये नॉर्मल एक साइकिल है कि जनरली जो हम नॉर्मल डेली लाइफ में जो पैडलिंग करते हैं उसमें कैसा रहता है, हम सीधा स्ट्रेट बैठ के करते हैं तो उसमें जो बैक का पोन, जो पीछे की हड्डी रहती है, वो पेन होने लगती है। लेकिन ये कैसा है कि जो ओल्ड हो गए हैं, जिनका बैक पेन है लेकिन उनको भी साइकिलिंग करना पसंद है, तो वो आराम से लेटते लेटते पैडलिंग कर सकते हैं, जिससे उनका जो पीछे का स्ट्रक्चर है उसमें भी कोई पेन नहीं होगा और इजीली उसको चला सकते हैं। और इतना कम्फर्ट है कि आप इसको साइकिल अगर एक घंटा चला रहे हैं, इसको चार घंटे भी चलाए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर उनको पैडलिंग करना पसंद है तो। ऐसा तो आप, मैंने देखा आपने अपने चैनल पर इसको दिखाया भी है जी, क्या इसको बैलेंस बनाने में दिक्कत आती है? क्योंकि मुझे ऐसा रहता है कि देखिए, अगर आप फर्स्ट टाइम, अगर आपने एक्टिवा भी पकड़ी होगी तो क्या आपने फर्स्ट टाइम में चलाना चालू कर दिया था? नहीं, मे भी आपने एक दो बार बैलेंस इधर उधर बिगड़ा होगा, आप गिरे होंगे, उसके बाद सीखे होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक्टिवा चलाना हार्ड था, हमने फर्स्ट टाइम यूज़ किया इसलिए उसमें ऐसा था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि आप एक दो बार दो तीन राउंड लगाएंगे तो आपको थोड़ा पता चल जाएगा कि एक्चुअल में वर्किंग कैसा कर रहा है इसके लिए, बाकी एकदम स्मूथ है। ये एक साइकिल हो गई जी, एक और वहाँ पर साइकिल है। भैया चलाएंगे क्या? बड़ी अनोखी, आइए थोड़ा चला के बताइए, मतलब कस्टमर रिव्यू दीजिए आप। हम लोग इसका सेल लगाए हैं, आपको खरीदना है? कहाँ से लगाए? देखिए ये भी एकदम रैंडम है, जैसे मैं एकदम रैंडम थी, अब देखना है भैया चला पाते हैं या नहीं। अरे अरे भैया मुड़ाइए भाई, अभी अभी पता चला इसका उद्घाटन नहीं हुआ, उससे पहले आप इसकी कहानी ना अलग कर दें। अभी कैसा जगह कम है और बाइक यहाँ पे कैसे बाइक आते जाते रहते, इसलिए अभी ये खाली। हाँ बस आ गया, आ गया, टेंशन मत लीजिए, डाल देंगे। चलिए ये एक साइकिल हो गई, दूसरी ये साइकिल है। ऐसी तमाम साइकिल हमने पहले भी कई जगहों पर देखी है, इसमें क्या खासियत है? इसमें खासियत कुछ नहीं है, मींस जनरली जो हम डेली लाइफ डेली रूटीन में जो साइकिल चलाते हैं उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और जिनको मान लीजिए कि जिनको अगर राइड करना है, साइकिलिंग राइड पसंद है और उनको अपना समय बचाना है, क्योंकि पैडलिंग करने से क्या है कि हम ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाते हैं, तो हमको पैडलिंग भी करना है लेकिन हमको डिस्टेंस भी कवर करना है, तो उस चीज़ में हम क्या है कि अपनी गाड़ी को नॉर्मल इलेक्ट्रिक साइकिल, साइकिल को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे क्या है कि हमारा टाइम भी बच जाएगा, रेंज भी ज़्यादा कवर हो जाएगा, तो कम समय में ज़्यादा काम भी कर सकते हैं, समय भी बच जाएगा उसके साथ। इसकी बैटरी से कितने किलोमीटर तक ये चल सकती है, कितना चार्ज करना पड़ता है? बैटरी हमारे ऊपर है कि जितने ज़्यादा रेंज की बैटरी डालेंगे उतना ज़्यादा हमको रेंज मिलेगा। अभी फिलहाल जो हमने इसमें यूज़ किया है वो मुझे कैसा है कि मेरे डेली रूटीन में मुझे 45 किलोमीटर के आसपास में ट्रैवल करना रहता है, तो उसके हिसाब से मैंने मेरे इतनी बैटरी डाली है। लेकिन अगर मेरा रेंज ज़्यादा है, 50 है, 100 किलोमीटर, तो उसके हिसाब से हम इस बैटरी को हटा के हम हमारे रेंज के हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। अभी ये कितने चार्ज पे कितना चलती है? ये अभी सिंगल चार्ज पे 45 किलोमीटर एक बार चार्ज लगता है। चार्ज होने चार्जिंग कैसा रहता है हमारे ऊपर रहता है कि जो हम चार्जर यूज़ करते हैं वो चार्जर हम जिस हिसाब से लेंगे उस हिसाब से आप इसको चार्ज कर सकते हो, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा। लेकिन कैसा है कि ज़्यादा फास्ट चार्जिंग करने से थोड़ा बैटरी के लाइफ में थोड़ा इशू आता है, इसलिए लोग प्रीफर करते हैं कि हम 4 से 5 घंटा चार्ज करें, जिससे बैटरी की लाइफ भी मेंटेन रहे और अच्छे से आपकी साइकिल भी चले। तो अभी आप कौन सा वाला यूज़ करते हैं, कितने देर? अभी मैं फिलहाल जनरली 4 से 5 घंटे, क्योंकि नाइट में पूरी साइकिल खड़ी रहती है तो फिर हमको इनफ टाइम मिल जाता है 6 घंटा, तो आप 4 घंटे लगाइए क्या दिक्कत है। हाँ लेकिन डे में अगर कभी मुझे मान लीजिए कि 45 किलोमीटर मैंने रन कर लिया, हाँ, तो मुझे और भी रन करना है, और भी रेंज देना है, तो मैं बड़ी बैटरी लगा दूंगा, नहीं तो फास्ट चार्जर यूज़ करके मैं इसको फास्ट चार्जिंग करूंगा, जिससे क्या है कि हम ज़्यादा रेंज कवर कर सकते हैं। ऐसे ये इनका एक यूट्यूब चैनल है क्रिएटिव साइंस, जिस पे गोल्डन बटन भी आ चुका है, हम तो देख कर आए हैं। आइडिया कहाँ से आया कि कुछ ऐसा अनोखा करेंगे? पढ़ाई भी कर रहे हैं आप लोग, फिर उसके बाद ये ऐसा कुछ खुरापात भी कर रहे हैं, इसको अपनी लैंग्वेज में कहूँ तो।
असल में कैसा है कि टेंथ के बाद से बचपन से था कि थोड़ा कुछ यूनिक करते हैं, कुछ अलग करते हैं, तब से हालांकि टेंथ से मैंने स्टार्ट कर दिया था। अभी बीटेक चल रहा है तो इसके साथ में मैं काफ़ी सारे प्रोजेक्ट भी खींच रहा हूँ, प्लस स्टडी भी चल रहा है, थोड़ा बाहर के भी काम रहते हैं वो भी करते हैं, तो सभी चीज़ें मैनेज करके कर रहे हैं, तो थोड़ा अच्छा भी लगता है, लोगों को पसंद भी आ रहा था, इसलिए हम बना भी रहे हैं। ऐसा ये मिल जाता है आसानी से, ये सारी चीज़ें मिल जाती है? स्टार्टिंग में तो काफ़ी दिक्कतें थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे उस फील्ड में हम लोग ग्रो करते गए तो कॉन्टेक्ट और ये सब बढ़ते गए, तो पहले के मुकाबले भी टाइम कम लगता है और जल्दी बन जाता है जी। क्या बाहर से भी मंगाना पड़ता है कि इंडिया में हर चीज़ें मिल जाती है? हर चीज़ें कैसे इंडिया में नहीं अवेलेबल रहती है, तो हमको वो चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है या तो खुद बनानी पड़ती है। अच्छा जी, बैटरी वगैरह तो मिल जाता होगा? बैटरी हाँ, बैटरी यहाँ पे हम बना सकते हैं, बैटरी का कोई इशू नहीं है, हम जो रेंज का चाहे जैसा चाहे वैसे बैटरी हम अपने साइज के हिसाब से बना के लगा सकते हैं जी। तो क्या चीज़ें अभी तक आपने बाहर से मंगवाई हैं? बाहर से ऐसा कुछ बोल नहीं सकता, अब आप पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट का नाम बताइए, क्योंकि हमने हजारों प्रोडक्ट हमने यूज़ किए हुए हैं, पार्ट्स यूज़ किए हुए हैं, तो अब उसमें कुछ पार्ट्स हमने इंडिया से इंपोर्ट किए हैं, कुछ बाहर से, कुछ बनाए हैं, तो आप पार्ट्स के नाम स्पेसिफिक बताएंगे तो हम बता पाएंगे हमने कहाँ से लिया। अब कैसे मैं बताऊँ कि लिस्ट इतने लंबे हो जाएंगे तो वीडियो आपका बड़ा हो जाएगा। अच्छा, इतना सपोर्ट मिल रहा है, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? जैसे ये जो आइडिया है ना, अब तो ये बैटरी वाली साइकिल दिख रही है हर जगह, लेकिन आपने और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई हैं जो बहुत कम जगह देखने को मिलती है, जैसे एक पहिए की स्कूटी और ये सारी चीज़ें, तो ये मुझे लगता है इस पर अगर थोड़ा और रिसर्च होता है या कुछ ऐसी चीज़ें बनती तो हम और ग्रोथ करते, आगे बढ़ते। बिल्कुल, तो क्या इस पर सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट का या फिर नहीं? थोड़ा अभी इसमें जो भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना, इसमें कोई कॉलेज का सपोर्ट है और ना कोई गवर्नमेंट का सपोर्ट है, बाहर से किसी का सपोर्ट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट है, हमें बनाना है, तो हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से हर चीज़ें स्टडी करते हैं, फिर सामान कलेक्ट करते हैं, फिर उस पर मेहनत करके 2 महीने 3 महीने किसी किसी में 4-4 महीने, कॉस्टिंग भी किसी प्रोजेक्ट की डिसाइड नहीं रहती, कभी ख़राब हो जाता है, कभी उड़ जाता है, कभी जल जाता है, तो ये खुद का एक इंटरेस्ट है और लोग जानना चाहते हैं, लोग कमेंट करते हैं वीडियो में कि सर ये बनाइए ये बनाइए, तो हमें भी लगता है चलो उनको देखना है सीखना है तो हम क्यों ना बनाएं उनके लिए इस तरीके से। तो जो लोग देखना चाहते हैं आप वो बना देते हैं? जी बिल्कुल। बन जाने के बाद उसका क्या? बन जाने के बाद कैसा है कि अभी वीडियो बना दिए, एक वीडियो बन गई, उसके बाद क्या होता है वो? उसके पार्ट्स हम फिर से रीयूज करते हैं उसमें कुछ नया करने के लिए, क्योंकि हम कैसा है कि हम किसी प्रोडक्शन लाइन में नहीं जाना चाहते, हमारे पास क्रिएटिविटी, हम कोई चीज़ को यूनिक तरीके से बना के उनको प्रेजेंट करना चाहते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें बना के दिखाना चाहते हैं, तो प्रोडक्शन लाइन में हम नहीं जाना चाहते। अगर इसके पार्ट्स मैंने फिर से खोल लिए तो हम सोचते हैं कि अब इस प्रोडक्ट का यूज़ करके हम और क्या यूनिक बना सकते हैं, तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट का रीयूज करके उससे कुछ और नया बनाते हैं। आप लोग ऐसा नहीं सोचते हैं कि अगर मैंने कुछ नया बनाया है तो इस पे मेरा अधिकार होना चाहिए, इसको कहीं से रजिस्ट्रेशन वगैरह करा लेते? कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी अगर मैं कुछ बना रहा हूँ, अगर किसी के लिए कुछ नया है वो रजिस्ट्रेशन करना चाहता है कराए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मेन पर्पस है लोग देखे एंजॉय करे सीखे बस, बाकी मुझे और कुछ नहीं है। कोई कुछ भी मेरा वीडियो भी डाले, आप कितना भी मेहनत करके बनाएंगे आपको कोई फर्क नहीं? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने वाला यूज़ कर रहा है मेरी वजह से, अगर उसको अच्छा लग रहा है, उसको यूज़ में आ रहा है तो बिल्कुल यूज़ करे, मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है। आपके सामने मैं बोल रहा हूँ मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है, मैंने अभी तक जितने प्रोजेक्ट बनाए जितने वीडियो डाले हैं वो उसको बनाए कॉपी करे कुछ भी करे मुझे कोई दिक्कत नहीं, वो वीडियो भी अपलोड करे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कैसे, मतलब हर इंसान जो कुछ बना रहा होता है वो सोचता है कि ये जो है वो मेरी अपनी है, लगाव हो जाता है ना, मतलब हो जाती है लगाव उस चीज़ से, लेकिन मेरी ऐसी कोई पर्सनली किसी से लगाव नहीं है, लेकिन हम पब्लिक के लिए ही बना रहे हैं तो फिर हम उनको ही मना करेंगे तो वो चीज़ें मुझे नहीं सही लगता है, तो वो यूज़ करें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। भैया ये क्रिएटिव साइंस के शिवम हैं जो बहुत सारी अनोखी चीज़ बना चुके हैं, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे, एक ही वीडियो में सारा बता देंगे तो बहुत लंबा हो जाता है ना जी। ये कोई बुजुर्ग बाबा नहीं बोले आपसे कि भाई ये तो मुझे चाहिए? ये एक्चुअल में कैसा है कि अभी सूरत में सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ के एक डॉक्टर है जो एनेस्थीसिया स्पेशल है, प्रोफेसर भी है, वो स्पेशली हमको आके मिलके गए कि उनका बचपन से एक ख्वाहिश है कि वो कुछ ऐसा बनाए जिससे वो लेट के आराम से चला सके, तो ये उन्होंने मुझे आज से लगभग 6 महीने पहले बोल के रखा था, तो ये उनके लिए ही मैंने बनाया था। जनरली मैं इस टाइप के प्रोजेक्ट बहुत कम खींचता हूँ, लेकिन उन्होंने बताया तो उसके हिसाब से मैंने उनको बना के दिया। आपने उन्हें दे दिया? अभी दिया नहीं है, अभी फिलहाल हम ही लोग बना के थोड़े टेस्टिंग कर रहे हैं, इसमें जो भी थोड़े बहुत माइनर इश्यूज रहेंगे उसको चेंज करके फिर उनको देंगे, वो चलाएंगे जी। तो ऐसा ही अनोखा और अद्भुत हम खोजने की कोशिश करते हैं, अभी गुजरात के सूरत में खोज लिए हैं शिवम भाई को, तो अपना जो ये बोले कि रिसर्च टीम है वो बहुत स्ट्रांग है, हम दुनिया के हर एक कोने में खोज लेंगे कि कौन ऐसे बच्चे हैं जो अलग और अनोखा कर रहे हैं। ये ना आपको भले छोटा लग रहा हो, लेकिन आगे जो इन्होंने बनाया है वो बहुत बड़ा बड़ा कारनामा है, हम दिखाएंगे आपको। नमस्ते।